28 मार्च को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के एपिसोड में भगवान चित्रगुप्त को अपमानजनक तरीके से चित्रांकित किया गया था। उसके विरोध में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने आंदोलन का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर अभूतपूर्व जन समर्थन मिलना शुरू हुआ, लेकिन एक तार्किक परिणति पर यह अभियान पहुंचे इसके पहले ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो नैराश्य का भाव है, जो चीज़ों को स्वीकार कर लेने का जो हमारा नज़रिया बनता जा रहा है, जिस तरह से हम अपमान को भी सहज तरीके से भूल सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कपिल शर्मा के इस शो को लेकर के जो हमारी लड़ाई है उसमें जो व्यवधान आया है और जिस तरह से निराश होकर के इस अभियान को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी हो गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है। जब हम कायस्थों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें याद करना चाहिए कि हम उन पुरखों की संतान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हर युग में सम्मानित करने का काम किया, हिंदुस्तान की ध्वजा को लहराने का काम किया, अपने कुल के साथ साथ राज्य, देश और दुनिया को गौरवान्वित करने का अवसर दिया। हिंदुस्तान का स्वाधीनता संग्राम हो, आधुनिक भारत का निर्माण हो, अध्यात्म का प्रश्न हो, संगीत का प्रश्न हो, खेल का क्षेत्र हो, प्रशासन के साथ साथ न्यायपालिका और तमाम वैसे क्षेत्र जहां हम अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते आए हैं, उस पर न केवल समाज बल्कि दुनिया को भी हमारी क्षमता और हमारी मेधा पर कभी भी कोई संदेह नहीं रहा है। हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संतान हैं, भगवान चित्रगुप्त के वंशजों को इस देश और इस राज्य की अगुवाई करने का अवसर मिला है। आज मुझे हैरानी है कि हम जिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की चर्चा कर रहे हैं, जो आज पूरी दुनिया में संजीवनी के तौर पर लाए जाने की कोशिश हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान उदारतापूर्वक दुनिया के तमाम देशों को जीने के लिए गोलियों की निर्यात की सुविधा दे रहा है, उस गोली को बनाने वाली बंगाल केमिकल कंपनी के जो संस्थापक थे प्रफुल्ल चंद्र राय जी, वो हमारी महासभा के 35वीं कॉन्फ्रेंस में वो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और एक वर्ष तक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कायस्थों की अगुवाई की। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वतः स्फूर्त जो लोग किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं उन्होंने भी काफ़ी उत्साह के साथ इस अभियान में शामिल होने का निर्णय किया। लोग लगे ट्विटर, फेसबुक, अपने घरों में बाजाब्ता प्लेकार्ड्स लगा करके उन्होंने नाराज़गी जाहिर की। लेकिन अभी हमारा निर्णय क्या था, हम लॉकडाउन के बाद पूरे देश में उनके खिलाफ, कपिल शर्मा के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करेंगे, सोनी टीवी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन हमारा अभियान लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है। दूने जोश के साथ लगिए, जब तक लड़ना नहीं सीखेंगे तब तक जीत नहीं पाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कीजिए, देश की सरहदों के बाहर जाकर उन्होंने निर्वासित सरकार बनाने का काम किया, हिंदुस्तान में बगैर किसी
पद पर रह करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने व्यवस्था की बुनियाद हिला दी। अधिनायकवाद के खिलाफ अभूतपूर्व आंदोलन हुआ। आध्यात्मिक जगत कभी भी स्वामी विवेकानंद जी को नहीं भूल सकता है, और महर्षि अरविंदो से लेकर आध्यात्मिक जगत तो जरूर कायस्थ मनीषियों का ऋणी सदैव रहेगा। क्रांतिकारियों की भी बात जब हम करेंगे तो खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारी को नहीं भूल पाएंगे। हम कई ऐसे सूर्य सेन जैसे क्रांतिकारियों को भी कभी नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने आज के बांग्लादेश और उस दौरान एक अभूतपूर्व आंदोलन का संचालन अधिनायकवाद के खिलाफ किया था। ऐसे अनेक राजनेता, चाहे वो बाला साहब ठाकरे हो, बीजू पटनायक हो, शिवचरण माथुर हो, इस समाज ने देश को दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति हुए, अपनी सादगी से लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिस तरह 1965 में भारत की बढ़त पाकिस्तान पर बनाई, पाकिस्तान के हौसले चकनाचूर किए, आज एक ऐसी फहरिस्त है जिसकी चर्चा हम करना चाहें तो घंटों महीनों निकल जाएंगे लेकिन वो फहरिस्त पूरी नहीं होगी। लेकिन फिर हमें हुआ क्या है, ये क्यों जंग लगा है? मैं महासभा के पदाधिकारियों से भी पूछना चाहूँगा कि एक अवसर है जहाँ आप संगठन को एकजुट बनाने के लिए, अपनी क्षमता का एहसास कराने के लिए, कपिल शर्मा तो एक निमित्त मात्र है। इस अवसर पर कपिल शर्मा और जिस चैनल पर उनका प्रसारण हो रहा है, और साथ ही साथ ऐसी गलतियां और ऐसे दुस्साहस करने वाले फिल्म जगत के उन तमाम निर्माताओं को आप कड़ा संदेश देंगे जो कहीं ना कहीं अपने फिल्मों में, अपने डॉक्यूमेंट्रीज में, अपने शॉर्ट फीचर फिल्म्स में भगवान चित्रगुप्त का अनादर करते रहे हैं। इसलिए मुझे विश्वास है आप जरूर इस संदेश को ग्रहण करेंगे और इस आंदोलन को एक लॉजिकल कंक्लूजन पर, एक तार्किक परिणति पर पहुंचाने के लिए दूने जोश के साथ एक बार फिर लगेंगे। जय हिंद।